हाय, आज हम लोग बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज का मेरा पापा का लास्ट डे कैसे रहा और उसमें मेरा रिएक्शंस क्या रहा, उसके बारे में आज बात करते हैं। मुझे मेरे पापा को क्लियर पता है, उनका ब्रेन में ट्यूमर था। तो मैंने साइन में एमडी डॉक्टर उनको सबको मिल गया, फिर फाइनली उन्हें बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन में ऐसा न्यूज़ था कि अगर वो ऑपरेशन नहीं करें तो 6 मंथ बेड रेडन हो जाएंगे, मतलब लकवा हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर बच सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद बचने का चांस 95% नहीं है, ओनली 5% है लक है उनके ऊपर बच के। तो क्लियर हो गया कि इनका समय अभी आ गया है। तो जब मैं 17 ईयर्स का कुछ था, मेरे पापा फिर उन्होंने अभी तक जितना भी सेविंग किया है उनका, उनको लगा कि ये जो पैसा है मेरे बच्चों को हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जाके मेरे इलाज के लिए खर्चा करके मैं निकल जाऊंगा, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं नहीं है, जितना भी कमाए हैं वो उनके इलाज पे खर्चा करके निकल जाते हैं और बच्चे लोग रोड पे आ जाते हैं, या फिर पूरा बोझ जो है बच्चे के ऊपर डाल देते हैं और वो लोन वीन लेके उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, राइट। सो एनीवे, ये कितना पॉसिबल है, कितना कर सकते हैं, सच क्या है, वो सब मैं नहीं आता हूँ, लेकिन अपना इलाज के लिए किसी का, कई लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करने का मुझे सही नहीं लग रहा है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट में आता हूँ। तो फिर बोला कि हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं, जिसका 10 लाख के आसपास ज़्यादा होगा उस समय पर, 92-93 में, या फिर के में कर सकते हैं, जिसका 10,000 में भी हो सकता है। तो वहाँ पे सच में 10,000 में होता, तो वहाँ पे एडमिट किया, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो एंड ऑफ द डे उनका सिचुएशन खराब चल रहा था, लेकिन मेरे पापा ने उससे पहले, ऑपरेशन जाने से पहले पूरा प्लानिंग सेट किया। बोला कि इतना पैसा यहाँ से लेना है, किसी को देना नहीं है, और प्रोनिशमेंट कैसे कितना आएगा, ग्रेजुटी कितना आएगा, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कहाँ कहाँ पे कितना लिए हैं, किस किस से, पूरा सेटिंग। और मेरे ब्रेन को लेके मेरे नानी के हाथ में पकड़ के, इनको आपको संभालना है क्योंकि मैं नहीं आऊँगा। तो जैसे कोई बारगाव जाने के टाइम सब व्यवस्था करके जाता है ना, वैसा करके उन्होंने निकला, वो फुल प्लानिंग और सेटिंग है सर। उनके करेज मुझे देखने में मज़ा आया, लेकिन एक चीज़ मुझे, उनके दिल में क्या बीतती होगी ना कि मेरा दिन अभी ख़त्म हो गया, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, और बच्चे भी सब जवान और छोटे हैं, कोई काम करता है, देखभाल करेंगे, ऐसा भी नहीं था, वो सिचुएशन था वही समय पे पापा छोड़ के चले। उस दिन का एक दिन ऐसा आया, 6 दिसंबर मेरे पापा का लास्ट डे था तभी। तो रात को 2 बजे के आसपास बहुत सीरियस थे, तो मैं भी था उनके साथ में। अचानक डॉक्टर्स लोग आए, बोले कि अभी उनका कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ब्लड वगैरह जो आने लग गया, तो फिर उनका लास्ट था। मुझे आग कैसे देखते रहा था, आग मैं उनको देख रहा था, मेरे सामने उनका जीव गया। फिर डॉक्टर लोग ने वो पंच वगैरह करते ना, वो सब करके उन्होंने कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। मुझे बाहर जाने के लिए बोले थे, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं डरूंगा नहीं, आप करिएगा ऐसा करके। मैं था उनके साथ में, सो हो गया उनका डेथ। तो मैं उनको देखा, तभी मुझे मालूम पड़ा, डॉक्टर सॉरी बोल के चले गए, मैं देखे तभी पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पापा भी मेरे पास नहीं है और मेरे सामने हैं, और वो लास्ट मोमेंट मैं उनके साथ में था। तो आँख में पानी आया, जैसे मैंने चपका तो पानी मेरे पापा के पैर पे गिरा, बस इतना इंसिडेंट हुआ। फिर मैं मम्मी को लेके मैं बाहर आने की कोशिश की, मम्मी को बोला क्या, मम्मी बाहर थी, 2-2.5 बजे ज़बरदस्त नींद, मम्मी तो 2 महीने से हॉस्पिटल में है ना, तो उनको एक नॉर्मल डे लगा, लेकिन मुझे मालूम है वो नॉर्मल डे नहीं था। तो मैं बोला कि सामान वामान पैक करके, मम्मी को बोला मम्मी चलो हम लोग जाते हैं, पापा को दूसरा वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कौन सा वार्ड में, मार्चिट वार्ड में। तो मैं उनको बोला नहीं कौन सा वार्ड है, मैं बोला पापा को दूसरा वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे निकल के जाना पड़ेगा। सो जैसे मैंने सामान उन्होंने देखा, मैं पूरा ऐसा एक ऐसी कपड़े में सब उठा के डाल के एक बांध के मैं लेके जा रहा था, तो देखा उन्होंने, उनको मालूम पड़ गया कि कुछ हो गया। तो मेरी मम्मी बहुत ज़ोर से रोई, रात को 2-2.5 बजे था, पूरा केम हॉस्पिटल को आवाज़ सुना रहेगा कि इतना शांत था, इन्होंने इतना चिल्ला चिल्ला के रोए थे वो। मैं और मेरे भाई दोनों उनको कंधे पे लेके हम लोग बाहर आ रहे थे, नीचे आके
केम हॉस्पिटल का गेट को इतना जोर से उन्होंने पैर मारा, बोला कि ये हॉस्पिटल ने मेरा पति को ले लिया है, ऐसा कर. एनीवे दैट्स अ फैक्ट. फिर बाहर आए हम लोग, तो एक सरदार जी थे, उन्होंने देखा सिचुएशन, बोला कहाँ जाना है, बोला घर में हम लोग निकलना है, तो निकल के हम लोग पहुँचे. फिर घर पे रोना धोना सब चालू है. और उस दिन पूरा मैंने रोया नहीं, उस समय भी रोया नहीं, उस दिन रोया नहीं. शाम को मैं ऐसे नीचे बैठा था, मेरे सामने वो बांध के लेके जाता ना, लकड़ी में रख के लेके जाता, वो मेरे सामने गया, गुजरा. जब मुझे देखा, मेरे सामने गुजरा था, मुझे तभी मेरा लगा कि यार ये तो अभी समय आ गया है, अभी पापा को इसके अंदर, इसके ऊपर रख के लेके जाएंगे और जला देंगे. तो वो मोड, आई ब्रोक डाउन, तभी मेरा रोना आ गया था. तब से मैं रो रहा था, अनटिल उनका लास्ट निधन होने तक मैं उनके साथ ही था. एनीवे, मैंने वो पूरा दिन रोया नहीं, उसका मीनिंग मुझे मालूम नहीं पड़ा. मैं अब नॉर्मल हूँ या नॉर्मल है कि मुझे पता नहीं है, बट समय मैं इतना समझता था कि जो भी हुआ है उसके आगे क्या करना है वो दिखना चाहिए. क्योंकि अभी मैं कुछ भी करूँ, रो दूँ, पलटूँ, कुछ भी करूँ, पापा को वापस नहीं ला सकता हूँ. लेकिन अभी क्या करना है उसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए. तो मेरा उस समय इसके ऊपर बहुत ध्यान था, इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर. तो जो वीडियो मैं आज वो टॉपिक के लिए बना रहा हूँ, हो गया ख़त्म. फिर मेरी नानी की मम्मी, उन्होंने बोला कि बस हो गया, अभी आप लोग अभी बच्चे हो, सब लोग आ जाओ गाँव, अभी हम लोग यहीं पर रहेंगे. बोला नहीं नहीं हम लोग यहीं पर रहेंगे, यही जीत के दिखाएंगे, हम लोग कहीं नहीं आएंगे, ऐसा करके बोला. फिर हम लोग वही घर पर थे. फिर मेरे भाई को काम लगा, मैं भी काम करने चालू किया, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके निकल गए. आज सब लोग अपना अपना खुद का फ्लैट है, वेल सेटल है, बराबर सेट हो गया हम लोग आज. एनीवे, सो दिस टॉपिक इज अबाउट दी इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड कुछ भी हुआ, डरना नहीं, पैनिक नहीं होना, सोच के समझ के आराम से काम करना. राइट, थैंक यू.